ठीक है, फटाफट बता देता हूँ एक बार, ठीक है, फटाफट से ओवरव्यू देता हूँ कि यार भाई साहब सरफेस एंड वॉल्यूम तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिगर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिगर्स आपकी तीन डायमेंशन की होती है, तीन तरह की होती है, कौन कौन सी? वन डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल फिगर या तो आप उसकी लेंथ ही नहीं मेजर कर सकते हो, या तो आप उसकी ब्रेथ मेजर कर सकते हो। टू डायमेंशनल फिगर, उसकी लेंथ और ब्रेथ एट द सेम टाइम मेजर की जा सकती है। थ्री डी फिगर, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट एट द सेम टाइम मेजर किया जा सकता है। और अगर आप इसी के बेसिस पर अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 11 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमको बस तीन डायमेंशन तक ही पढ़ना है। बात क्लियर है यहाँ तक की? अब कौन कौन से थ्री डायमेंशन के फिगर्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तीन डायमेंशन के कौन कौन से फिगर्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। देखो तीन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिगर आ जाती है, लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको बेसिक फिगर्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक फिगर कौन कौन से? बेसिक फिगर के बारे में, बेसिक फिगर है तुम्हारे सामने ये है पहला बेसिक फिगर, ठीक है। ये जो मैंने चीज बनाई है ना, इसे हम कहते हैं क्यूब, इसे हम कहते हैं क्यूब। ये क्यूब की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब इसकी ना सारी साइडें बराबर होती हैं, हर के सारी की सारी साइडें बराबर होती है, सारी साइडें बराबर, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है उसे हम कहते हैं क्यूब। इसके बाद आप दूसरे फिगर पे आ जाओ, ये रहा आपका दूसरे नंबर का फिगर, ये रहा आपका दूसरे नंबर का फिगर, ये रहा, ठीक है। ये दूसरे नंबर का फिगर कहलाता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। दूसरे नंबर का फिगर कहलाता है आपके पास क्यूबॉइड। इसकी सारी साइडें बराबर नहीं होती, इसकी सारी साइडें अलग होती हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूब का आपने कहाँ देखा होगा? अगर तुमने कभी लूडो सांप कभी खेला है तो वहां पर ना ऐसे उछालने के लिए गोटी दी जाती है ना, उस गोटी को हम कहते हैं इंग्लिश में डाइस। और डाइस की जो शेप होती है ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है किसके शेप के? क्यूब की शेप के। और कहीं देखा तुमने क्यूब को? इसके अलावा रूबिक्स क्यूब नाम सुना है? और आइस क्यूब, देखो आइस क्यूब आजकल तो ट्रे आने लग गए अलग अलग शेप के, गोल भी आते हैं आजकल तो, है ना, तो आइस क्यूब भी मान सकते हैं। और कोई इसके अलावा? खाने के लिए, एकदम बढ़िया। इधर देखो, अच्छा फिर हो गया तुम्हारा ये रेक्टेंगल क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो मैं तुमको अभी दिखा सकता हूँ क्लास की क्लास में, देखो क्या तुमको ये दिखाई दे रहा है? ऐसी होती है क्यूबॉइड। ये घर जिस तरह की ईंटों से बना है ना, उसकी शेप पता है कैसी है? क्यूबॉइड के शेप की। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ पाए बात को, और एक बात बताता हूँ। जरा मेरे को ये बताओ कि मेरे पास ना एक सिक्का पड़ा हुआ है, एक सिक्के की शेप कैसी होती है? गोल। सर्कल कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं, सिलेंडर हाँ। तो सिक्के का जो बेसिक मतलब बेसिक फिगर होता है, वो किसकी तरह होता है? एक सर्कल की तरह। बताना जरा, मैं अगर एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखू, और एक और सर्कल रखो, और एक और सर्कल रखो, और सर्कल लगते रखते 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 इतनी उसकी हाइट क्रिएट हो जाए, अब तो वो सर्कल नहीं रहा, अब उसकी एक हाइट क्रिएट हो गई। जो सर्कल होता है उसे हम कहते हैं 2D फिगर। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर एक लेंथ होती है, एक प्रॉपर ब्रेथ होती है। लेकिन हमने करा क्या कि भाई साहब इसी 2D फिगर की हमने एक हाइट क्रिएट कर दी, एक के ऊपर एक सिक्का रखते गए रखते गए रखते गए, एक हाइट क्रिएट हो गई, ठीक है। जो इसकी हाइट क्रिएट हुई है ना भाई साहब, जो सिक्के के ऊपर सिक्का रखते गए उसने एक हाइट क्रिएट कर दी, एक हाइट क्रिएट होने की वजह से वो 2D फिगर एक 3D फिगर में चेंज हो चुका है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? दूसरी बात, जो 2D फिगर से हमको 3D फिगर मिला है, उस 3D फिगर का नाम पता है क्या है? उस 3D फिगर का नाम है हमारे पास सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर है बात? समझ में यहाँ तक की? चलो ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर। कुछ इसी तरह के फिगर्स की हमको स्टडी करनी है। ये कुछ बेसिक फिगर है, इनके जैसे कई और फिगर है, जैसे कि तुम्हारे पास ये भी बना सकते हो। क्या बोलेंगे इस फिगर को, बताना जरा एक बार? सर्कल है ना, अब बताओ इस फिगर को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्फेयर, स्फीयर। इसे हम कहेंगे स्फेयर। अच्छा, इसको अगर मैं आधा कर दूं तो, आधा कर दूं तो हेमिस्फेयर। क्लियर है तक का? चलो ठीक है, एक और फिगर है ये देखो, एक और फिगर है ये देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस फिगर को हम क्या कहते हैं? इस फिगर को हम कहते हैं कोन। अच्छा, कोन को अगर मैं यहां से ऐसे काट दूं तो, कोन को अगर मैं ऐसा करके अगर काट दूं तो कौन सी फिगर बनेगी? कुछ ऐसी फिगर बनेगी ना। यार ये एक नया टॉपिक जुड़ा है 10th क्लास में। इस फिगर को नाम पता है क्या दिया जाएगा? इस फिगर को नाम दिया जाएगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसके फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्यों? क्योंकि यार ये जो फिगर है ना, ये कोन को काटने के बाद बना है, समझ गए? ये कोन को काटने के बाद बना, इसलिए इसका नाम क्या? इसका नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बात क्लियर हुई यहां तक की? तो ये, लेकिन सीबीएसई वालों ने गेम खेल ली, पता है क्या? सीबीएसई वालों ने किया क्या कि भाई साहब ये
टॉपिक ही गायब कर दिया, कह रहा नहीं नहीं आप मत पढ़ो ये वाला, आप रहने दो, आप यही कुछ फिगर जो आपने बेसिक नाइन्थ क्लास में पढ़ाया उन्हीं के ऊपर ध्यान दो। तो तुम लोग अगर चाहोगे या फिर मैं अगर चाहूंगा तो मैं तुमको ये लास्ट टॉपिक बता सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है। जितना फॉर्मूला इनके लिए याद रखना है उतना ही फॉर्मूला तुमको इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही ना यहाँ तक की? अब देखो मैं नया इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई साहब हर एक तरह के फिगर के तुमने फॉर्मूला नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए। यहाँ तक क्लियर है? नाइन्थ क्लास में कौन कौन तरह के फिगर पढ़े हुए मैं नाम बता देता हूँ, नाम बता रहा हूँ उनको याद रखना कौन कौन से। क्या तुमने लैटरल सर्फेस एरिया का नाम सुना है LSA, टोटल सर्फेस एरिया का नाम सुना है TSA, वॉल्यूम का नाम सुना है वॉल्यूम, ठीक है ना? तो ये तीन तरह की चीजें इन सभी फिगर की होती है, उसी तरह से ये तीन तरह की चीजें इस फिगर के अंदर भी होगी। यहाँ पे क्लियर है? तुमको बस इस चैप्टर में मास्टरी करने के लिए कोई ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है तुमको, बस तुमको ना बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है तो भाई इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निपट जाएंगे। लेकिन यार वही है ना, हर एक चैप्टर को तुमको मतलब हर एक फिगर को तुमको फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे यार, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लियर? शुरुआत करते हैं बेसिक फिगर से, क्यूब से। फॉर्मूले याद करना यार, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास नोट्स है वो नोट्स निकाल ले, और जिसके पास नोट्स नहीं है वो अपने बगल वालों से शेयर कर ले, और बाकी मैं यहाँ पर एक PDF शेयर कर रहा हूँ, इसको चेक करना। नोट्स देखो, अच्छा चैप्टर नंबर 13, ठीक ना, चैप्टर नंबर 13 ध्यान से देखोगे तो तुमको ना यहाँ पर एक एक करके सारे फिगर के फॉर्मूले दिए होंगे, सारे फिगर के फॉर्मूले दिए होंगे, उनके सरफेस एरिया से रिलेटेड और उनके वॉल्यूम से रिलेटेड। अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे क्या ये सरफेस एरिया किस चिड़िया का नाम है, सरफेस एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तुम एक बार इन सारे फिगर के ना मतलब एक बार फिगर देख लो कैसे कैसे होती है, ये क्यूब कैसा दिखाई देता है, ये क्यूबॉइड कैसा दिखाई देता है, सिलेंडर कैसा होता है, ये स्फीयर कैसा दिखाई देता है, हेमिस्फीयर कैसी शेप की होती है, ये कोन कैसा होता है ना। तो ये सारी चीजें अब ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन यार एक और बात है कि यार ये सारे फॉर्मूले आप रट तो लोगे, ये सारे फॉर्मूले एक मिनट के लिए आपको याद तो हो जाओगे, मेमोराइज कर तो कर लोगे, लेकिन यार अगर आपको इन सब की एप्लीकेशन अगर नहीं आती, अप्लाई करना नहीं आता, तो भाई साहब वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लिटरली पता होना चाहिए कि भाई साहब सरफेस एरिया किसे कहते हैं और वॉल्यूम किस चिड़िया का नाम है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। क्या तुम सबको ये डस्टर दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दो तरह के कंसेप्ट क्लियर करूंगा, एक है तुम्हारा सरफेस एरिया का कंसेप्ट और एक है तुम्हारे वॉल्यूम का कंसेप्ट। यहाँ पे क्लियर है? देखो पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो देखो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया। क्या आपके पास जो भी तरह की फिगर तुम्हारे हाथ में पड़ी हुई है क्या आप उसको छू सकते हो? इस तरीके से छू सकते हैं इसको? भाई साहब जिस तरह के फिगर को आप टच कर रहे हो, या फिर मेरे बगल में एक दीवार पड़ी, मैं ऐसे दीवार पे ऐसे हाथ लगा रहा हूं, मैं जब दीवार को हाथ लगा रहा हूं तो असल में मैं दीवार के सरफेस एरिया को महसूस कर रहा हूं, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ पर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड, मैं बोर्ड को ऐसे हाथ लगा रहा हूं, अरे वाह क्या स्मूथ है, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? असल में मैंने क्या करा, असल में मैंने सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड को छुआ है। यहाँ पे क्लियर है? मैंने सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट बनाया। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं मैथमेटिकल परसेप्टिव से बात करें तो हर फिगर के ना हर फिगर के सरफेस एरिया जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है उसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि उस फिगर के सारे सरफेस की बात हो रही होती है। सारे के सारे सरफेस मतलब क्या? हर पॉसिबल फिगर, ये वाला ऊपर नीचे हर जगह। यहाँ पे क्लियर है? लेकिन एक सरफेस एरिया ऐसा होता है जो कि यार टोटल की बात नहीं करता, वो कुछ सिलेक्टेड की ही बात कर रहा होता है। उसे हम कहते हैं या तो लैटरल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड सरफेस एरिया। बात करते हैं पहले लैटरल सरफेस एरिया की। लैटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? तो देखो तुम में से जितने बच्चे जिस भी तरह के कमरे में बैठे होंगे, वो चार दीवारी वाला कमरा होगा है ना, हालांकि तुम्हारे को अलग शौक ना होंगे, ठीक है ना, कि पांच दीवारी वाला कमरा बनाते हैं, ठीक नहीं है कि यहाँ पे कमरा वो तीन दीवारी वाला है, पीछे वाला और बस ये वाला आगे नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी कमरा है। तो देखो एक चार दीवारी वाला कमरा, अगर आप कमरे के चार दीवारी को कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो उसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल के लिए ये डस्टर, ठीक है ना, ये डस्टर ध्यान सुनना इसको, ये रहा फ्रंट फेस, बैक फेस, साइड वाला और ये साइड वाला, ये चार तरह के जो फेस मैं तुमको गिना रहा हूं ना, ये चार तरह के फेस आपके कहलाते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल सरफेस एरिया। चार दीवारी का एरिया यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। यहीं पर अगर हम बात करें किसी तरह के, वो कहां गया खुशुस? तेरा। अच्छा इसकी शेप कैसी है? इसके नीचे की देखो शेप कैसी है, ये वाली सिलेंडर। अच्छा ये सिलेंडर, क्या इसके पास चार दीवारी है? नहीं ना, लेकिन कर्व तो ये भी हो रहा है ना, तो भाई साहब इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ पाए बात को? यहां तक क्लियर है?
तो इसके पास जो एरिया है ये साइड वाला, इसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चार दीवारी का एरिया। देखिए इसके पास तो दीवार नहीं है, इसका तो दीवार कर्व हो रखा है, इसके लेटरल सरफेस एरिया को नाम दिया जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो टर्म है वो हम कर्व वाले चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कर्व कौन कौन होता है, सिलेंडर कर्व होता है, हेमिस्फेयर कर्व होता है, स्फेयर कर्व होता है, कोन कर्व होता है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, इन तरह की फिगर्स को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और जबकि अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूब की, तो उनके सरफेस एरिया देखो ऐसे होते हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे वाला दीवार, साइड वाली दीवार और ये सामने वाली दीवार। समझ में क्या हुआ, चार दीवारी के एरिया लेटरल सरफेस एरिया, और अगर दीवार कर्व हो रही है तो कर्व्ड सरफेस एरिया। बात क्लियर हुई यहां तक की? चलो ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तुम ऐसे किसको पता है वॉल्यूम किसे कहते हैं, और उसको सही से डिफाइन कौन कौन कर सकता है, कितना कुछ भर सकते हैं? जैसे कि क्या इस कमरे की एक वॉल्यूम होगी? अच्छा, इस डस्टर की कोई वॉल्यूम होगी? लेकिन इसके अंदर तो कुछ भर नहीं सकते, भरा होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना यार, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस। यहां पे क्लियर है, किसी तरह के फिगर की कोई स्पेसिफिक शेप होती है ना, उस शेप के अंदर कितना स्पेस पड़ा हुआ है और वो कितना स्पेस भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं उसकी वॉल्यूम। एग्जाम्पल के लिए दोबारा से मैं तुम्हारे सामने सिलेंडर पेश कर रहा हूं, तुम सबको दिखाई दे रहा है यार, इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। इसकी जो पूरी शेप है ना, फिलहाल के लिए इसके अंदर का सैनिटाइजर भूल जाओ, भूल जाओ कि इसके अंदर कोई नीले रंग का लिक्विड है, नहीं है। दिख रहा है तुमको मेरे को, कहाँ है? नहीं है, नहीं है, कहाँ है? नहीं है भाई, नहीं दिख रहा मेरे को, आर पार दिख रहा है। हाँ इधर देखो, तो फिलहाल के लिए मान लो कि एकदम खाली है, तो भाई साहब इसके अंदर जितना खाली स्पेस होगा ना, उसे हम कहेंगे इसकी वॉल्यूम। यहाँ पे क्लियर है, वॉल्यूम होगी। लेकिन अगर मैंने इसको भर दिया, देखो भरते गया भरते गया भरते गया भरते गया, पूरा भर दिया, यहाँ पे क्लियर, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने इसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, इसके स्पेस को मैंने क्या कर लिया, इसके स्पेस को मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ भर दिया। यानी कि अगर मैं स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता हूँ या फिर किसी तरह का स्पेस अगर रह जाता है, तो उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। समझ पाया मैंने क्या बोला? अब वो वॉल्यूम चाहे तो भरी हुई भी हो सकती है, वो वॉल्यूम चाहे तो खाली भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुई बात तुमको? समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ? अब बात करते हैं इस डस्टर की। अब एक बच्चा बोल रहा है कि भाई यार ये कहाँ है, इसको तो कुछ भर नहीं सकते, कैसे भरोगा इसमें, भरोगे तो गिर जाएगा ऊपर से। यार असल में बताऊं तो यार, इसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड की शेप है, और इसमें पहले से ही भरा हुआ है। बताना क्या भरा हुआ है, इसमें लकड़ी भरी हुई है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं, इस शेप में क्या भरी हुई है, लकड़ी भरी हुई है इसमें। और कुछ भर सकते हो क्या इसमें? और कुछ नहीं भर सकते, कोई स्पेस नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भी स्पेस यहाँ पर कवर किया गया है वो लकड़ी की वॉल्यूम से कवर किया गया है। समझ पा रहे हो मतलब क्या कर रहा हूँ? यानी कि सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है क्या, जिस भी तरह के सरफेस को आप छू करके महसूस कर सकते हो। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चार दीवारी का एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, और अगर वो दीवार अगर कर्व्ड हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे क्लियर है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या, अगर आप किसी तरह के फिगर को अगर आप भर रहे हो, किस तरह के फिगर में किस तरह की स्पेस अगर खाली है, उसे हम कहेंगे उसकी वॉल्यूम। जैसे कि इस कमरे में देखो, इस कमरे में कुछ स्पेस खाली है ना, स्पेस खाली है ना, अगर हम इस सब कमरे से निकल जाए तो इस कमरे की कुछ स्पेस होगी ना, है होगी ना, तो यार इस कमरे में जितना खाली स्पेस होगा ना, उसे हम कहेंगे इस कमरे की वॉल्यूम। बात समझ में यहाँ तक की? पक्का क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो ये था तुम्हारा सरफेस एरिया और वो थी तुम्हारी वॉल्यूम जो अभी यहाँ पे बताई गई है। यार दो चीजें और होती है जो कि वॉल्यूम के जैसी ही होती है। मैंने क्या बताया वॉल्यूम के, वॉल्यूम का मतलब कि यार किसी भी तरह के फिगर में, किसी भी तरह के फिगर को अगर आप फिल करना चाहते हो, खाली स्पेस जितना होता है फिर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये फिगर, उसे हम कहते हैं उसकी वॉल्यूम। एक और वर्ड होता है मास, किसे कहते हैं मास, वाला मास नहीं आता टांग ठीक है ना, मास किसे कहते हैं, मास। ये देखो वॉल्यूम तो तुमको सही में आ गया, किसी भी तरह की शेप की एक मतलब कोई भी तरह का शेप ठीक है ना, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। मास किसे कहते हैं, नहीं ऐसे करके मत दिखाओ बताओ बताओ क्या मतलब, वो तो फिर वॉल्यूम हो गई ना, वॉल्यूम का मतलब वजन। अब तुम बेटा वजन, अब तुम वेट ही बताओ मेरे को, ये बताओ बेटा वेट और मास किसे कहते हैं। अब मेरे को बेटा जो भी होता है, मेरे को मास और वेट कितना होता है, जेब में जितने बड़े सब दे दूंगा है एक मूंगफली रखी थी मैंने बताओ बताओ वेट मास और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पेटीएम कर दूंगा अगर बता दोगे तो। भैया मास तो नंबर ऑफ आइटम्स होता, नंबर ऑफ आइटम, यार वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ आइटम हो सकते हैं ना,
वेट तो मास इनटू ग्रेविटी होता है भैया, वेट मतलब होता है एकदम सही, एकदम सही भाई। किसी ने वेट के बारे में एक बहुत बेहतरीन बात बताई है, यहाँ नहीं बताऊंगा। भैया मास इनटू ग्रेविटी, हाँ हाँ एकदम सही। सुनो सुनना ध्यान से, ठीक है। वॉल्यूम बात करते हैं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कितना होता है कि यार स्पेस है, किसी तरह की फिगर है उसके पास स्पेस है, आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, वो है उसकी वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, किसी तरह की फिगर है उसी, ये रही फिगर, इसकी शेप है ना, इसने तरह की स्पेस को कब्जा लिया, उस कब्जाने वाले स्पेस को हम कहेंगे वॉल्यूम, फिर चाहे वो भरी हो फिर चाहे वो खाली हो। यहां तक क्लियर है यार? जो भरा हुआ है, वो जो माल भरा हुआ है, वो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा, उसको पकड़ रहे हो मतलब महसूस कर पा रहे हो। आप मास और वजन को कैसे महसूस करोगे, पहले हम बात करते हैं मास की। तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ हो, पेन पेपर कुछ भी पकड़ो, उसको एकदम टाइट पकड़ना, महसूस कर पा रहे हो उसको? पेन मत तोड़ देना अपना, पकड़ पा रहे हो उसको, महसूस कर पा रहे हो? भाई साहब ये जो आप महसूस करो ना, ये इस फिगर का मास है, समझ पा रहे हो क्या हुआ? अगर मैं इस फिगर को ऐसे टाइट पकड़ रहा हूं तो एट द सेम टाइम मैं इसके वॉल्यूम को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं और इसके मास को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। वॉल्यूम मतलब क्या, जितना शेप इसमें एक्वायर किया हुआ है, और मास है जितना मास में इसको टच करके समझ पा रहा हूं कि अच्छा अच्छा इतना मास भरा हुआ है इसके अंदर। अब बात करते हैं वेट की। यार वेट किसे कहते हैं? वेट मतलब समझना यार, इसको जमीन से उठाने में ताकत लग रही कि लग रही, फिर चाहे वो छोड़ दियो, अगर मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगा, मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं उठा रहा हूं तो भाई ताकत तो लगा रहा हूं ना। जब आप मास को उठाने के लिए, मास को उठाने के लिए जब आप ताकत लगा रहे होते हो, तो उसे हम कहते हैं उसका वेट। समझ पाए क्या हुआ? अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो मास अफेक्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। समझ पाए क्या हुआ? देखो जो मेरा शरीर है ना, मेरे शरीर में जितना भी अंदर सारा मलबा भरा है ना, किडनी विडनी पैनक्रियास अनक्रियास जो भी है, राजमा वाजमा जो भी है, ठीक है ना, जितना भी सारा इसके अंदर सामान भरा हुआ है, जितना भी इसके इस शेप के अंदर जो भी चीज भरी हुई है, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। अगर मैं इसको महसूस करके देख पा रहा हूँ, हाँ भाई सही है ऐसे, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे उसका मास। और भाई साहब अगर कोई मेरे को उठाना चाह रहा है कि आ संजय तेरे को उठाता हूँ मैं, तो वो मेरा क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा? वो मेरा वेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मेरा जो मास है वो धरती पर, मार्स पर, किसी और ग्रह पर सेम रहेगा, लेकिन जो मेरा वेट है, जो कि किससे अफेक्ट होता है, वो ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। अर्थ की ग्रेविटी अलग होती है, मार्स की ग्रेविटी अलग होगी, चंद्रमा पे अर्बन जो जाएगा उसकी ग्रेविटी अलग होगी। समझ पा रहे मैं कह रहा हूँ? सन पे जाओगे तो भाई साहब उसकी ग्रेविटी एकदम तगड़ी होगी। कुछ कुछ प्लैनेट तो ऐसे होते हैं भाई साहब जिसकी ग्रेविटी अपने अर्थ से एकदम ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो क्या हुआ? वहां पर आपको खड़े रहने के लिए भी ताकत लगेगी, तुम यूं करोगे यार यार अरे यार। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कई सारे प्लैनेट ऐसे होते हैं जिसकी ग्रेविटी एकदम इन्फ्लुएंस होती है। तो भाई साहब ग्रेविटी हर जगह अलग होती रहती है, इसलिए वेट भी हर जगह अलग अलग होता रहता है, लेकिन मास, मास हर जगह सेम होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये होता है तुम्हारे डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है ना, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या आप उसको समझ पा रहे हो, उसको छू पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर वो मास अगर ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट हो पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे उसका वेट। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अपना सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का जो धरती पर जो मास है, नहीं समझ लो, मास की बात कर रहा हूँ, मान लो कि आप सिद्धार्थ का धरती पर जो मास है वो है रफली 5 किलो, मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब धरती पे ग्रेविटी कितनी काम करती है? 9.8 है ना, 9.8 रफली, इसको 10 मान लो, तो इसका वजन कितना होगा? अब 50 किलो, नहीं समझे? अरे मास इनटू ग्रेविटी वेट, भूल गए क्या? याद है ना? अब सुनो, मास इनटू ग्रेविटी होता है वेट। जैसे कि मान लो सिद्धार्थ है, इसका मास कितना है? 5 किलो का। ग्रेविटी कितनी ताकत लगा रही है इस पे? नहीं, नीचे आ, नीचे आ, 10 कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड की, पर सेकंड स्क्वायर की। तो भाई सर इसे हम कहेंगे इसकी ग्रेविटी, यहाँ तक क्लियर है? और इसका वजन कितना हो गया? इसका वजन हो गया 50 किलो। वहीं पर अगर आप मून पर चले जाओ तो मून की ग्रेविटी उतनी अच्छी नहीं होती। मून की ग्रेविटी अगर उतनी अच्छी होती तो वहां पर एटमोस्फेयर होता, समझ गए? यार अर्थ के ऊपर एटमोस्फेयर होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारे पास एक ग्रेविटी है, हमने क्या करा भाई, एटमोस्फेयर को पकड़ करके रखा हुआ है। अगर हमारे भी एटमोस्फेयर अगर एकदम कहते हैं एकदम लुल्ल सी होती, तो मतलब एटमोस्फेयर तो होता ही नहीं यहाँ पर। जैसे कि कहते हैं मार्स के साथ हुआ, जैसे कि चंद्रमा के साथ हुआ है, और भाई जुपिटर की तो ग्रेविटी एकदम तगड़ी है, उसने आसपास के एटमोस्फेयर भी अपने तरफ खींच लिए, ठीक है ना, मतलब कि ये दूसरा प्लैनेट है, इसके पास अपना एटमोस्फेयर है, ग्रेविटी चल भाई इधर ला, वो नंगा हो गया मालिक। समझ गए क्या हुआ? तो ये भाई साहब जितनी ताकत पर ग्रेविटी उतना ज्यादा तगड़ा एटमोस्फेयर। बात क्लियर हो रही है तुमको? यहाँ तक नहीं समझ मारे बात को। तो इसका वजन यहाँ पर भी 10 किलो है। अगर यहाँ पर अगर मैं मून पे ले जाऊँ तो वहां पर जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड का होगा।
तो इसका जो वहां पर वजन माना जाएगा वो 25 किलो का माना जाएगा। तो यार वेट जो है ना अलग अलग होता रहता है, लेकिन मास मास हर चीजों का सेम रहता है। यहाँ तक क्लियर है? मास और वॉल्यूम सेम ही होता है, बात समझ में यहाँ तक की? कोई दिक्कत है किसी को? अब ये बताओ यार, एक चीज और एक्सप्लेन मेरे को कर देना बाद में जाकर के, वो है ये बताओ, डेंसिटी जल्दी बताओ, क्योंकि यार मैं जो को, हाँ बता, मास पर यूनिट वो एरिया, मास पर एरिया, हाँ सही है सही है, मास पर एरिया ठीक है। लेकिन क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट एरिया, समझते हो इसका मतलब क्या होता है बताओ? देखो डेंसिटी का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है घनत्व, ठीक है ना? एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, देखो ऐसे करके देखो, ये दो तरह का प्लॉट लगा हुआ है यहाँ पे, दो तरह के प्लॉट हैं।